हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों आप अपनी लाइफ में अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों किचन में खाने का स्वाद बढ़ाने वाली हल्दी तंत्र साधना में भी बहुत जरूरी होती है। शादी में हल्दी लगने वाले लड़के लड़कियों को भी कटार इसलिए देते हैं क्योंकि हल्दी को पूजा के साथ साथ प्रेत आत्माओं के वशीकरण में भी काम लिया जाता है। दोस्तों हल्दी प्रकृति से उष्ण कटु स्वाद वाली व सुगंधित व उत्तेजक होती है। हल्दी का शक्तिवर्धक रोग नाशक पूजा पाठ मांगलिक कार्य व तांत्रिक आदि कार्यों में काम लिया जाता है। वैसे तो दोस्तों हल्दी 5 प्रकार की होती है लेकिन पीली हल्दी को तांत्रिक कार्यों में काम में लिया जा सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हल्दी के कुछ ऐसे अचूक टोटके बताएंगे जो कि आपके जीवन में फलकारी प्रभाव डालेंगे। तो आइए जानते हैं हल्दी के कुछ उपाय नजर उतारने में। दोस्तों अगर आपको बार बार बुरी नजर लगती है और बुरी नजर लगने से अगर आपकी सेहत पर असर पड़ता है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में एक कपड़े में हल्दी की गांठ को रखना है और उसमें साथ में अजवाइन रखकर एक पोटली बनानी है और इस पोटली को काले धागे से बांधकर जिस इंसान को नजर लगी है उसके गले में डालना है। वहीं इस पोटली को एक दिन गले में रखने के बाद दूसरे दिन नदी में प्रवाहित कर देना है। वहीं इस उपाय को पति का प्यार पाने के लिए स्त्री को गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर एक हल्दी की गांठ रखकर ओम रते काम देवाय नमा की कम से कम एक माला का जाप करें। साथ ही गुरुवार को बेसन से बनी हुई चीजें ही खाएं। ऐसा करने से पति को तरक्की भी मिलेगी और आपस में प्यार भी बढ़ने लगेगा। दूसरी समस्या है विवाह में हो रही देरी के लिए। दोस्तों अगर आपकी विवाह में देरी हो रही है या किसी प्रकार की अड़चन आ रही है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों शुक्ल पक्ष के गुरुवार को पीला कपड़ा पुष्प पीतल चने की दाल गुड़ और हल्दी की गांठ आदि को एक कपड़े में बांधकर अपने इष्ट देव का स्मरण करके घर में गुप्त स्थान पर रख देना है। वहीं विवाह के हो जाने के बाद इस पोटली को नदी में बहा देना है। अगला उपाय है धन वृद्धि के लिए। दोस्तों अगर आप भी कंगाली से परेशान हैं और चाहते हैं कि आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों गणेश चतुर्थी के दिन हल्दी की गांठ चावल नारियल सुपारी व पैसों को हल्दी में रंग लें और इन्हें पीले रुमाल में रखकर पूजा करें। पूजा के बाद इस रुमाल को घर की तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे जल्दी आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। तो दोस्तों ये थे हल्दी के कुछ असरदार उपाय जिनका आपको 100% लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही काम की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो से लेकर अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो कमेंट में हमें लिखना ना भूलें। धन्यवाद।